సాయిలత మనం ఇప్పుడు చూద్దాం వార్తల్లోని ముఖ్యాంశాలు అంబర్పేట్ శ్మశాన వాటికలో కరోనాతో మరణించిన వారికి దహన సంస్కారాలు ఆ శ్మశాన వాటికకు చెందిన ప్రెసిడెంట్ గోపాల్ గారు మరియు జనరల్ సెక్యూరిటీ గారు కార్యక్రమాన్ని జరిగేలా చూస్తున్న వారికి అయ్యే ఖర్చులు జీహెచ్ఎంసీ వారు ఇవ్వడం లేరని వాపోతూ ఈ విషయాన్ని ఎస్ఆర్కే న్యూస్ ద్వారా తెలియజేస్తున్నాము स्टार्ट करो। ये हमारा हिंदू स्मशान वाटिका प्रबंधक समिति जो रजिस्टर हुई 1948-49 में कोसा अंबरपेट का हिंदू स्मशान कब्रस्तान को चलाने के सिलसिले में ये जब से चल रही है, लेकिन ये ज़मीन और कब्रस्तान बिफोर इंडिपेंडेंस के ज़माने में ये बस्ती के जो भी कम्युनिटी के लोग हैं वो कम्युनिटी लोग कुछ पैसा जमा करके या कब्रस्तान नहीं था तो निज़ाम के दादा या उनके ज़माने में जाकर पैसा देकर एक कब्रस्तान की ज़मीन ली है। जब से ये इंडिपेंडेंस के बाद से ये कब्रस्तान को वो एक समिति चला रही है, रजिस्टर्ड समिति। मेरे से पहले जस्टिस माधव रेड्डी और भोज रेड्डी जिला परिषद चेयरमैन और मुर्रम राजैया, पद्मश्री सी नारायणा और पद्मश्री गौतम, ऐसे लोग अभी प्रेसिडेंट थे। 1986 में मैं काउंसलर बनने का बाद और यहाँ पर निम्बुलडा का था, जब पहले अब काचुगुड़ा नाम हुआ, काउंसलर था, लोन लीडर था कांग्रेस पार्टी का। अब मैं पॉलिटिक्स में नहीं हूँ, खाली सोशल सर्विस कर रहा हूँ। वो बिजनेस क्लास में हिंदू समाचार को काउंसलर है, जब से इसका अच्छाई बुराई डेवलपमेंट में देख रहा हूँ। पहले मैं स्टूडेंट लीडर भी था 1969 के अंदर, जेल काटा, राजमंडी जेल में भी था और वर्कर लिबरल यूनियन लीडर भी था, इसलिए मेरे को यूनियन वर्कर्स बोलता हूँ कोई भी चीज़ पे ज़रा करने की। पहले से बहुत ईमानदारी से काम करता था, उसी बेसिस के लिए मेरा एक सोशल सर्विस सिस्टमेटिकली ऑर्गेनाइजेशन कैसा करना क्या करना 86 में चला रहा हूँ। अब ये स्मूथ चल रहा है, उसके अंदर डेवलपमेंट कर रहे हैं, जो पैसे बचे उसमें। लेकिन क्या है, फैसिलिटीज़ हमारे पास ज़्यादा रहने से, जैसे कि पानी है, इलेक्ट्रिसिटी है, बमना है, सत्रम है और लकड़ी है, लेबर है, उनके असिस्टेंट हैं, झाड़ू वाले हैं, इस सब को मिला के हमारे पास आज के दिन कम से कम 41 स्टाफ है। ये जो सैलरी आप लोग 41 मेंबर को देते सर, ये गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है आपका एसोसिएशन प्राइवेट से देते हैं? इसी के अंदर ये लोगों को इन्हें कोई पेमेंट नहीं करता, ये समिति करती है हमारी। मंथली कितना इनकम है सर इसका? इसका मंथली इनकम देखिए, हम लोग 9 लाख नो प्रॉफिट पे चलाते, फिर भी एक बार डेड बॉडीज ज़्यादा आ गए तो जब वो थोड़ा बहुत बोले कि एक्स्ट्रा मनी आता उसको हम बैंक में डालकर, हमेशा हर चीज़ अकाउंट्स बैंक से रहता हमारा। एक डेड बॉडी का कितना चार्जेस करते हैं सर? पहले हमारा 4,500 था, अब हम लोग 6,000 करे और लोकल वालों को 4,000 कर दिए। लॉकडाउन में साहब आपका कितने कोविड के डेड बॉडी आ रहे रोज? एवरेज हमारे पास 5-6 आ रहे हैं। 5-6 आ रहे हैं, हाँ। उसका वजह क्या है कि हम कई बॉडीज आ रहे हैं, हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर सक रहे हैं, उसकी वजह क्या है, हमारे पास रेगुलरली 12-15 बॉडीज आते हैं जनरली। कोविड-19 की डेड बॉडी का कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस? हाँ, एक्स्ट्रा चार्जेस क्या हुआ, जैसे कोविड स्टार्ट हो गया तो ये एम्बुलेंस वाले, हेल्थ डिपार्टमेंट वाले, म्यूनसिपल डिपार्टमेंट वाले और ये प्राइवेट बसा जो है लाते लेकर आते, बोला हम बहुत बोले खा जाने लगे, तो हमारे लेबर आ क्या करे, वो तो बोला हम भी खाते हो, बोले गड़बड़ करते, हम आपको एक दिन तक काम बंद करे, स्ट्राइक करें, हमको पैसे बढ़ाने तो हम नहीं करते, कोविड केस मत करो बोलिए। अब उसके लिए क्या है, मजबूरन बोले कि ओनली कोविड केस को ही हम 2,000 रुपये एक्स्ट्रा बढ़ा को लेबर को दे रहे हैं।
करो बोल कर 6+2 8,000 उनके लिए, बाकी का जो रेट्स हमारे पुराने वही रेट्स हमारे जनरल लोगों को है। और क्या होता है कि कोविड केस आने से दूसरे लोगों को बहुत बड़ा इफेक्ट होता है। डेली कोविड केसेस कितने आ रहे हैं? 5 से 6 आ रहे हैं, बताया 5-6 आ रहे हैं अपन रोज कोविड केस, और उसको 8,000 रुपये आप ले रहे हैं। 8,000 रुपये ले रहे हैं, नॉर्मल बॉडी आई तो उसको 6,000 रुपये 6,000 रुपये ले रहे हैं, 3 से 4,000 रुपये ले रहे हैं लोकल है तो 4,000 ले रहे हैं लोकल। अभी आपके स्टाफ जो 41 मेंबर्स बताए साहब, उसमें किसी कोई कोविड पॉजिटिव निकला? अभी तक हमारे पास कोविड पॉजिटिव के 5 केसेस हो गए, उनमें से किसी का डेथ हुआ? एक का डेथ हो गया, ज्ञानेश्वर बोलकर होता गया। अब बाकी के 4 जने थे, वो 4 जने अपने गाँव को चले गए लॉक डाल के। सवाल ये है यहाँ पर कि लास्ट टाइम हम बोले कि कोविड के केसेस चल रहे थे तो म्यूनसिपल ऑफिसर्स वगैरह एडिशनल कमिश्नर से लेके नीचे तक हेल्थ डिपार्टमेंट वाले UNA हेमलता मैडम वगैरह जो भी इंचार्ज है अभी कोविड करो करो वो रिक्वेस्ट करो, तो हम बोले भाई करेंगे लेकिन सिचुएशन ठीक नहीं है। लेबरों पर और आने वाले नए लोगों पर जनरल लोगों पर बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता। हैदराबाद सिकंदराबाद के अंदर हमारे पास बोले कि बहुत बार डेड बॉडीज आते हैं, उनको हम परेशान करना नहीं चाहते, उनको टेस्ट खराब ना करना चाहते। नया नया कैसा भी करो तो अच्छी बात होती है। हम क्या करें, इलेक्ट्रिक के मोटर के बाद से एक नया गेट है, एक गेट गेट है, वो गेट में से हम बोले कि वो बॉडीज को आके वहाँ पर एक 12 स्टैंड्स को प्लेटफॉर्म्स को अलग लगा दिए। हर प्लेटफॉर्म को कम से कम 3 दिन 4 दिन 5 दिन लगते, क्योंकि जिस दिन जलाते जलाने के बाद 3 दिन के बाद चलूँगा अपने हड्डियाँ उठाते, चल लोग बोले कि उसको अस्थिकल बोलते उठाते, कोई लोग 5 दिन उठाते, कोई 10 दिन को उठाते। तो हमारे क्या है कि 12 में से 4 मैक्सिमम लोग 4 कर सकते या 3 कर सकते नहीं। एक्चुअली हिंदू धर्म के हिसाब से तो सब देखा गया तो जो थर्ड डे मनाते अस्थियाँ बहाते फूल वो करते, तो ऐसा क्यों जो 5 दिन में 7 दिन में 10 दिन में चैन कम्युनिटी को लेकर जाने वाले? हाँ, चैन कम्युनिटी क्या है कि 3 दिन करते तीजा जी, तीजा चैन लोग बोले कि 5 दिन करते okay। और चल लोग कम्मा वगैरह वो 10 दिन तक करते बड़े काश ब्राह्मण जो है वो लोग 5 दिन तक करते, 3 दिन भी करने वाले। ये अलग अलग अपने अपनी अपने हिसाब से है। वैएसआर के न्यूज चैनल नच्चे लाइक चेयर शेयर सब्सक्राइब।